हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड घर का। मैं आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ अरबी फ्राई। उसके लिए मैंने ये अरबी ली है, इस तरह से। इस तरह की अरबी हमें लेनी है। अच्छे से वॉश कर लिया मैंने अरबी को। अब इसे हम दो सीटी लगवाएंगे, इसलिए मैं इसे कुकर में सीटी लगवा रही हूँ। दो सीटी से ज़्यादा ना लगाएं, वरना ये बहुत गल जाते हैं। दो सीटी हम इसे लगने देते हैं। ये अरबी को मैंने दो सीटी लगवा दी थी, ये भी गल चुकी है। बस इतना ही हमें गलाना है, दो सीटी से ज़्यादा ना लगाए, नहीं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं। अब इन्हें हम मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब इसे हम छील के नमक डाल के रखेंगे इसको कुछ देर के लिए। ये अरबी अब हमारी सारी छिल चुकी है। अरबी में अब हम नमक डाल के 5-7 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। अरबी को रखे हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। इसमें आप नमक कितना ही डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तेल मैंने गरम करने रखा था, गरम हो गया है। अब इसे हमें हाफ फ्राई करने हैं। थोड़ा गरम तेल में ही इसे डालें। ये अरबी हमारी हाफ फ्राई हो गई है। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। गैस को बंद करेंगे, इससे हम निकाल देंगे। अरबी को अब हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर इसे फ्राई करेंगे। अरबी अब मेरी थोड़ी ठंडी हो गई है और ऑयल भी मैंने गरम करने रख दिया है। अरबी को अब हम इस तरह से प्रेस करके और फ्राई करेंगे। गरम तेल में अब इसे हम फ्राई करेंगे। सारी अरबियां प्रेस हो गई है, आधी मैंने फ्राई करने रखी है। इनको ज़्यादा हिलाए ना, वरना ये टूट जाएंगे। इनको हम दूसरी तरफ रख लेते हैं। ये अरबी हमारी अब अच्छे से फ्राई हो गई है, इन्हें अब निकाल लेते हैं।
हमें इस तरह से क्रिस्प करना है। अब इसे हम दूसरी डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। ये हमारी दूसरी भी अभी फ्राई हो चुकी है। इस तरह की अरबी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अभी अरबियों के लिए हम एक सूखा मसाला बनाएंगे। नमक तो हमने इसमें ऐड किया हुआ है तो नमक नहीं डालेंगे। ये अमचूर पाउडर है, लाल मिर्ची है और ये धनिया पाउडर है। को हम अच्छे से मिक्स करके अरबी पर डालेंगे इस तरह से। ये तैयार है हमारी अरबी फ्राई। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।